हाय एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो पे और स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड, आप लोग कैसे हो? फ्रेंड, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और एकदम स्वस्थ होंगे। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं रियलमी मोबाइल का लॉक कैसे तोड़ा जाता है। बिना सर्विस सेंटर गए, बिना डाटा लॉस किए हुए, घर बैठे आप अपना रियलमी मोबाइल अनलॉक कर सकते हो। फ्रेंड, आप बिल्कुल सही सुन रहे हो। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रियलमी मोबाइल का लॉक कैसे तोड़ा जाता है बिना सर्विस सेंटर गए, बिना डाटा लॉस किए हुए। फ्रेंड, अगर आपका रियलमी एंड्रॉयड स्मार्टफोन आपके कारण या किसी और के कारण जब पासवर्ड लॉक हो जाता है और आप अपना पासवर्ड को भूल जाते हो तो आपका फ़ोन लॉक हो जाता है और अनलॉक नहीं होता है। तो फ्रेंड, इस केस में बहुत सारे लोग होते हैं जो डायरेक्ट जाते हैं सर्विस सेंटर या किसी रिपेयर मोबाइल दुकानदार के पास, लेकिन दोनों जगह आपको आपसे पैसा लिया जाएगा, समय लिया जाएगा, उसके बाद आपके फ़ोन जो होगा वो अनलॉक होकर मिलेगा, लेकिन वो ये नहीं दिखाएंगे कि आपके फ़ोन के साथ वो क्या किया, वो कभी नहीं दिखाएगा। और जब फ़ोन आपके हाथ में अनलॉक होकर मिलेगा तो फ़ोन का टोटल डाटा डिलीट हुआ रहेगा, ये तो आपको अच्छे से पता है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं बिना सर्विस सेंटर गए, बिना डाटा लॉस किए हुए आपको कैसे अपना रियलमी मोबाइल को अनलॉक करना है। तो आइए फ्रेंड, मैं बिना टाइम लिए ही इस इंटरेस्टेड वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले जब आप अपने स्क्रीन के ऊपर ऐसे स्वीप अप करोगे, पासवर्ड लॉक होगा तो ऐसा शो करेगा, पैटर्न पिन होगा तो अलग शो करेगा, लेकिन आपको एक इमरजेंसी कॉल जो हमेशा हर लॉक में दिखेगा, या तो पासवर्ड हो या पैटर्न हो या पिन हो, तो यहाँ पे आपको इमरजेंसी कॉल पे क्लिक कर लेना है। जब आप इमरजेंसी कॉल पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये न्यू डायलेट खुलेगा। इस न्यू डायलेट में *#8999 और हैज पे क्लिक करना। आप देखोगे फ्रेंड कि आपके सामने एक पेज खुला है, जिस पेज का नाम यहाँ साफ साफ लिखा हुआ फ्रेंड इंजीनियर मोड। तो इस इंजीनियर मोड में फ्रेंड आपको बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा। आप कंफ्यूज मत होना फ्रेंड, आपको चौथा नंबर ऑप्शन पे क्लिक करना है, चार नंबर ऑप्शन जो कि आपको दिख रहा होगा ऑटोमेटिक टेस्ट के नीचे है, चार नंबर ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। फर्स्ट पेज छोड़ दीजिएगा फ्रेंड, सेकंड पेज पे आइएगा जिसमें आपको 80% वर्क करना है। तो सबसे पहले आप अपना सेंसर चेक करना है, यहाँ पे जी सेंसर और यहाँ पे एम सेंसर। जी सेंसर फ़ोन का मेन सेंसर होता है, तो हम जी सेंसर पे क्लिक करेंगे और इसके ऊपर क्लिक करेंगे, जी सेंसर के ऊपर क्लिक करेंगे। फ्रेंड, आप देख सकते हो, मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ कि ये जो जी सेंसर का जो तीन एंगल है एक्स वाई जेड, वो तीनों का तीनों रनिंग कर रहा है फ्रेंड, तीनों का तीनों। इसका मतलब साफ है कि इसका सेंसर अभी तक एक्टिव है, क्योंकि ये डीएक्टिव होता तो रनिंग नहीं करता फ्रेंड। तो अब हम इसको बैक कर लेंगे। यहाँ से हमको ये पता चला कि हमारा फ़ोन का जो सेंसर है वो अभी तक एक्टिव है। तो आपका जब फ़ोन का सेंसर एक्टिव होगा तो जो अनलॉकिंग का जो प्रोसेस होगा फ्रेंड वो बहुत जल्दी से काम करता है। तो अब हम इस पेज से वापस चले जाएंगे। उसके बाद आपको जी सेंसर के जस्ट नीचे दिख रहा होगा जायरोस्कोप, जायरोस्कोप पे क्लिक कर लीजिएगा। जायरोस्कोप सेकेंड नंबर ऑप्शन, जायरोस्कोप सेल्फ टेस्ट, ये टेस्ट आपको देना है और पास करना है। बहुत सारा रियलमी एंड्रॉयड स्मार्टफोन में हम देखें कि यहाँ पे स्टार्ट करने का ऑप्शन होता है, लेकिन इस फ़ोन में स्टार्ट करने का कोई ऑप्शन नहीं है। तो आपको डायरेक्ट क्लिक करना है और यहाँ पास आने का वेट करना है। जब तक यहाँ पास नहीं आए तब तक आपको इस पेज से नहीं जाना है। अगर फेल भी आ जाए तो आप कंटिन्यू ट्राई करते रहिएगा फ्रेंड, पास जरूर आएगा। तो मैं देखता हूँ कि मेरा पास आता है या फेल। आप देख सकते हो फ्रेंड कि मेरा एक ही बार में पास आया, यही पास की आपको भी आवश्यकता है। तो जब पास आपको दिखेगा तो आप इसको बैक कर लीजिएगा। बैक करने के बाद आपको यहाँ पे चार्ज टेस्ट के नीचे फ्रेंड दिख रहा होगा सेंसर सेल्फ टेस्ट एंड सेलिब्रेशन, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिख रहा है फ्रेंड, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, ऑपरेशन नॉट स्टार्टेड, ऑपरेशन नॉट स्टार्टेड, ये दोनों ऑप्शन को स्टार्ट कर लीजिएगा। जब ये दोनों ऑप्शन स्टार्ट होगा तो येलो कलर का हो जाएगा, आप समझ जाना कि ये दोनों ऑप्शन स्टार्ट हो चुका है। और कोई एक पास आ जाए तो आप इस पेज से वापस चले जाना, एक पास आना चाहिए फ्रेंड कोई भी। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रेंड कि मेरा दोनों फेल आ चुका है। तो हम इसको बैक करेंगे, फिर से सेंसर सेल्फ टेस्ट एंड सेलिब्रेशन में जाएंगे और फिर से ये दोनों को स्टार्ट कर देंगे। और आप देख सकते हो फ्रेंड कि मुझे एक पास की आवश्यकता थी और यहाँ पे ऊपर वाला पास हो चुका है और नीचे वाला फेल हो चुका है। तो हम अब इसको बैक कर लेंगे, चले जाएंगे सबसे लास्ट पेज पे जिसका नाम है अदर्स। सेकेंड नंबर ऑप्शन आप देख सकते हो, लास्ट ऑप्शन अदर्स पे जब आओगे तो आप सेकेंड नंबर ऑप्शन देखोगे रीड राइट इंपॉर्टेंट लॉक टेस्ट का। तो यहाँ पे क्लिक करके फर्स्ट टाइम में कैंसिल कर देना फ्रेंड और सेकेंड टाइम में इसको ओके कर देना। अगर आपके ही फ़ोन में रॉन्ग पासवर्ड शो करे तो समझ जाइएगा पासवर्ड रीसेट होना स्टार्ट हो चुका है। दूसरा नंबर
पांचवा नंबर जो ऑप्शन है फ्रेंड, रीडिंग रीसेट कंप्लीट इंडिकेटर, अभी तक मैंने जो भी वर्क किया है वो सक्सेसफुल हुआ है या नहीं। अगर सक्सेसफुल हुआ होगा तो यहाँ पे पास होगा, तो यहाँ पे क्लिक करके चेक करना है कि यहाँ पास है या फेल। आप देख सकते हो फ्रेंड यहाँ पे पास शो कर रहा है। तो अब आपका फ़ोन का लॉक टूट चुका है, लेकिन अभी तक डाटा रिकवर नहीं हुआ है फ्रेंड। तो मैं फिर से डिवाइस डबिंग पे आऊँगा, जो सेकेंड पेज पर हम लोग आए थे, और जायरोस्कोप पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, और डाटा डिस्प्ले तीन नंबर पे क्लिक करेंगे, और इसको 30 तक बोले तो 30 तक इसको बिना इन रुके हुए, अगर ये 30 तक बढ़ गया, रिकवर कर गया, तो आपका फुल का फुल डाटा सेफ हो जाएगा फ्रेंड, जो मैं वीडियो के एंड में आपको दिखाऊंगा। 27, 28, 29, 30, ये 30 हो गया फ्रेंड। अब आप इसको बैक कर लीजिएगा। बैक करने के बाद होम बटन है, होम बटन पर क्लिक कीजिए। यदि आपके फ़ोन में स्वीप अप का ऑप्शन है तो स्वीप अप कीजिए, लेकिन यहाँ पे होम बटन है तो मैं होम बटन पर क्लिक कर रहा हूँ। और आप देख सकते हो फ्रेंड अपनी आंखों से कि ये रियलमी एंड्रॉयड स्मार्टफोन अनलॉक हो चुका है फुल्ली, बिना डाटा डिलीट हुए। जो लास्ट वर्क मैंने किया है वो सबसे इंपॉर्टेंट वर्क था फ्रेंड, उस पर आप लोग ध्यान देना। तो आप देख सकते हो कि मैंने डाटा बचाया, पैसा बचाया, समय बचाया। तो अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा फ्रेंड, तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। और आपके पास किसी भी कंपनी का एंड्रॉयड स्मार्टफोन है, लॉक हो चुका है, अनलॉक नहीं हो रहा है, तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके बता सकते हो, मैं आपका पूरा मदद करूँगा फ्रेंड। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।